तो 24 की तैयारी तय हुई जिम्मेदारी, लोकसभा चुनाव का अभियान अब केंद्र से चलकर राज्यों में पहुंचा है। उत्तराखंड के भीतर बीजेपी ने अपने इस चुनावी अभियान को और तेज करने का आगाज कर दिया है। बीजेपी की तरफ से पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई, सांसद से लेकर बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक सभी की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। दावा यह कि पांचों सीटों को तो जीतना है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है 5 लाख का। अब सवाल यह कि उत्तराखंड जैसे जो छोटी छोटे क्षेत्र हैं और खासतौर पर विधानसभा के परिपेक्ष में देखें तो यहां तो जीत हार का मार्जिन 1000 के भीतर हो जाता है, 1000 वोट के भीतर। कई उदाहरण तो ऐसे रहे कि 3 से 4 वोट में ही खेल हो गया, लेकिन टारगेट रखा गया है बड़ा। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार मौजूदा सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर क्या यह इतना आसान हो पाएगा, और क्या वाकई में बीजेपी जो जीत की हैट्रिक का सपना देख रही है वो संभव हो पाएगा। दावेदार भी अब सामने आ रहे हैं, चेहरों का जिक्र भी हो रहा है और चर्चा भी हो रही है कि सिटिंग सांसदों के टिकट तक कट सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। लोकसभा चुनाव का अभियान अब केंद्र से चलकर राज्यों में पहुंच चुका है, जिसमें उत्तराखंड के भीतर भी बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को तेज करने की शुरुआत कर दी है। पार्टी की तरफ से नेताओं को जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जिसमें संसद से लेकर बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक सभी की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत प्रमुख से लेकर संसद तक की सहभागिता होगी। पार्टी के 7 मोर्चे हैं और प्रत्येक मोर्चे की अपनी अलग एक भूमिका होगी। हर मोर्चे अपने अपने अभियान को लेकर कार्यक्रम करेंगे, जो 31 मार्च 2024 तक निरंतर जारी रहेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने पहले 75% मत हासिल करने का लक्ष्य रखा था और अब इसे अपग्रेड करते हुए हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीजेपी के इन सपनों को विपक्ष की तरफ से मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपने नेता पदाधिकारी की जिम्मेदारी तक आम जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के साथ जीत के दावे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख से ज्यादा के मतों से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का दावा है, संगठन जिस प्रकार से काम करता है, संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जिस प्रकार से जनता के साथ जुड़े हैं, उसे बीजेपी को चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, अनुजाति वर्ग में जाएगा, ST ST में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगी। सात प्रकार के मोर्चे हैं, सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही जन जन तक पहुँचने का काम करती है। हमारे कार्यकर्ता जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, लाभार्थियों के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्य वर्षों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में हुई और उस बैठक में एक निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक लोकसभा सीट में हमको कम से कम 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतना है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के इन लक्ष्य को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताने का काम किया जा रहा है, जिनमें कांग्रेस का मानना है कि जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और चुनाव का इंतजार हो रहा है। बीजेपी, मेरे एक पॉइंटेड प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से दे दे तो मुझे खुशी होगी।
बीजेपी केवल ये स्पष्ट करे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर क्यों किया। विपक्ष मिलना चाहता है चुनाव कमीशन से, अपनी बातें रखना चाहता है, समय क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको स्पष्ट कर दे। दूसरा, पोस्टल बैलेट में एक पार्टी बहुत भारी बहुमत से आगे जा रही होती है, उसको देने वाला भी एक व्यक्ति है, इसी प्लेनेट का रहने वाला है और ईवीएम में वोट देने वाला भी इस धरती पर। तो एक पक्ष तो जो पोस्टल में, उसमें तो कांग्रेस बहुत आगे चले जा रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैंपल ही चेंज हो गया। तो हमारा ये कहना है कि जिन देशों ने ईवीएम बनाया उन्होंने ईवीएम से वोटिंग बंद करा दी, उन्होंने अब बैलेट पेपर पे आ गए, तो आप भी बैलेट पे आइए, पता चल जाएगा कि 400 से पार या 4 से नीचे। लोकसभा चुनाव में अभी समय बचा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत का दावा जरूर कर रहे हैं और सियासी दलों के इन दावों के पीछे पार्टी संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत बताई जा रही है। लेकिन चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर पर होगा, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी और बताएगी, क्योंकि जनता अभी खामोश है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चलिए तीनों मेहमानों की तरफ रुक करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कुंवर जपेन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा भुवन चौबे जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा हो, लेकिन उससे पहले मसला एक और भी है बीजेपी के घर के भीतर, उन चेहरों का जिक्र जो इस वक्त मौजूदा सांसद है और जिनके टिकट कट भी सकते हैं अगर एमपी वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। सबसे पहले भुवन चौबे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज सुनाई दे रही है। बीजेपी का प्लान कैसा लगा? वो कह रहे हैं कि घर घर तक पहुंचेंगे, लक्ष्य रखा गया 5 लाख का। भुवन चौबे जी, जी भुवन चौबे जी, जी हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज की, आपकी आवाज। मैंने पूछा आपका क्या प्लान है, बीजेपी की तो तैयारी पूरी है। हमारा प्लान सीधे सीधे तौर पर जिला ब्लॉक बूथ स्तर में वॉर रूम की स्थापना करने का है। नंबर एक तो इसमें जिले लेवल से लेकर हम बूथ स्तर तक अपने एक वॉर रूम तैयार कर रहे हैं, जिसमें अपने हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जो बूथ लेवल के हमारे 5 समर्पित कार्यकर्ताओं को हम लोग इसमें बीच में सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक आधारभूत ढांचा तय कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है उसके लिए हम लोग कैसी रूपरेखा रख पाए। तो पहले तो हमारा लक्ष्य है कि जिला और बूथ और ब्लॉक लेवल की जो हमारी इकाई है उसमें हम लोग वॉर रूम की स्थापना करने जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग देश के लिए दान और डोनेट फॉर द देश, तो इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, कैंपेन चलाई है, www.donate.inc.in में हम लोगों ने एक डोनेट करके 138 रुपये से लेकर 13,800 रुपए तक का हम लोगों ने डोनेट। मैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पूछ रहा, मैं उत्तराखंड के स्तर पर पूछ रहा हूँ सर, कोई खास विशेष तैयारी? जी सबसे पहले हम लोगों ने तो अभी तो शुरुआत कर दी है ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं को, ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की हम लोग लगातार बैठक ले रहे हैं। उत्तराखंड में कितने प्रकोष्ठ हैं आपके? जी उत्तराखंड में हमारे करीबन 18 प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं साहब, यहाँ पर 18 प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं। जी जी, तो 18 कार्यकारिणी का गठन हो गया आपके यहाँ? नई कार्यकारिणी? जी नई नई कार्यकारिणी का हम लोग ने जो जिले लेवल की कार्यकारिणी है वो लगभग तय हो चुकी है पूरे पूरे 13 जिलों में। नहीं तय होना एक अलग बात है, कार्यकारिणी का ऐलान हो गया क्या? जी कार्यकारिणी ऑल टोटल हमारे यहाँ ऐलान हो चुका है। अच्छा नई कार्यकारिणी बन गई? जी ऑल। ये कब बनी सर? जी नई कार्यकारिणी का गठन कब हुआ? नई कार्यकारिणी का सर लास्ट हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी मानी करण मेहरा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने गढ़वाल, जो हमारे 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल का पूरा क्लियरिफिकेशन करके वो सब तय हो चुका है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टर्न था माननीय अध्यक्ष जी का कुमाऊं स्तर का था, तो कुमाऊं स्तर में हम लोगों ने थोड़ा सा चेक करके बताइएगा, मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि आपके कार्यकारिणी का गठन शायद नहीं हुआ अभी तक, आप चेक करिएगा। एक मिनट कुंवर साहब जी, जी ये 5 लाख का लक्ष्य रखा गया उत्तराखंड में हर एक लोकसभा सीट पर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया कुंवर साहब? नहीं ज्यादा 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 नहीं हो गया। देखिए आप पूरे उत्तराखंड में एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं सीटें आती हैं। हाँ। और अगर उनकी वोटों का आंकड़ा देखें तो डेफिनेटली 6-7 लाख 8 लाख
वोटर एक लोकसभा क्षेत्र में है। हाँ। तो हमारा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि अधिक से अधिक वोटरों को जागरूक करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी के लिए तैयार करना, और जब सभी वासी सभी वोटर इसे अपना दायित्व समझेंगे, राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम में अपने योगदान के साथ आगे आएंगे तो नहीं 5 लाख वोट तो कुछ मामला यहाँ पर इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड के परिपेक्ष में देखें तो 4-4, 5-5 वोट से खेल हो जाता है, और आप तो खुद लोकसभा का चुनाव लड़े हुए हैं। ठीक है, तो 5 लाख वोट का मार्जिन तो बहुत ज्यादा होता है कुंवर साहब। नहीं नहीं, आप 5 लाख वोट का मार्जिन ज्यादा होता है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने जो कहा शायद आपने उन शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। देश के अंदर जो अब एक राजनीति देश हित की, समाज हित की, एक आम जनमानस के हित की पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को लाभ देने की जो राजनीति 2014 के बाद से शुरू हुई है, तो उसे देखते हुए ये निर्धारित किया गया है कि सभी लोग इस महापर्व में अपना योगदान दें, अपनी जिम्मेवारी को समझें। नहीं, और सुनने में तो अच्छा लगता है, ठीक है आपकी बात, लेकिन कुंवर साहब आप ये कह रहे हो तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, अजय टमटा और क्या मालाराज लक्ष्मी शाह और निशंक जी, पांचों जो हैं 5-5 लोग वोटों से जीतेंगे। हम ये मानते हैं कि हमारी पांचों लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता काम करें, हमारे सांसद विधायक नहीं, ये पांचों सांसदों ने विकास की गंगा बहाई है ना, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक, तो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि पांचों सांसद चुनाव जीतेंगे, इसमें कौन सी बात है, यही तो आप कह रहे हो। विकास की गंगा को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बहाई हुई है, आप भी देख रहे हैं। नहीं कुंवर साहब, पांचों सांसदों को तो टिकट मिलेगा ना, मैं ये बस इतना पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए ये तो जो भी आएंगे वो 5 सांसद के रूप में ही आएंगे ना। नहीं जो भी आएंगे नहीं, वो सर काम किया रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तो सबको टिकट कहा। देखिए ये केंद्रीय कार्यकारिणी और हमारे वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों पर आधारित होता है, और बाकी वो सारी अच्छा आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर पांचों सीटों को जीतने के लिए हम पूरी भरकस प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, बाकी सब तो ठीक है, इनका टिकट कंफर्म है या नहीं है विषय ये था। आपने कहा ना हमने तो विकास की गंगा बहाई है, जिन्होंने विकास की गंगा बहाने में सहयोग किया आपके मुताबिक, तो उनका टिकट कंफर्म नहीं है अभी, कुल मिलाकर ये है। ठीक, जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर। मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा इनके टिकट कंफर्म है, तो आप बोल दीजिए हाँ कंफर्म है, मैं बोल देता हूँ, आप कह रहे हैं नहीं है कंफर्म, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ। इसके लिए हम अधिकृत नहीं है। हाँ, तो मतलब कंफर्म नहीं है ना सर, इन चीजों के लिए अधिकृत नहीं होते, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। हाँ, बीजेपी में सरप्राइज दल के प्रवक्ता कैसे कोई बात कह सकता है जी, ये होगी बताइए आप। नहीं नहीं, हम ये कह सकते हैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, केंद्रीय नेतृत्व देश को गारंटी दे रहा है और लोग मोदी जी की गारंटी के ऊपर चल रहे हैं, और मोदी जी अपना किया हुआ सर, मोदी जी की गारंटी तो चल रही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके सांसदों की गारंटी है या नहीं है, ये सवाल था मेरा। खैर, उन्होंने भी अपने जिम्मेवारी का निर्वाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, तभी तो उमा जी और भुवन जी जो है पोस्टर छपवा रहे थे कुमशुदगी के, आपके सांसदों के। खैर कोई बात नहीं, चौबे जी सुना आपने जी, ये जी, कह रहे जी, हमारे जी। पास तो दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है, हम दिखा भी रहे हैं, आपके यहाँ तो दो ही है आपस में भिड़ रहे हैं। वो बिल्कुल, इनका जो 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का सपना है, ये केवल हास्यास्पद है, और इनकी जिम्मेदारी कहीं से कहीं तक जनता के साथ जुड़ी नहीं हुई है, क्योंकि ये पार्टी केवल और केवल बहलावे फुसलावे और अनर्गल बयानबाजी पर कैंडिडेट का है, नारेबाजी का नहीं। चौबे साहब, मेरे साथ नारेबाजी नहीं चलती है, कैंडिडेट की बात करो जी, कैंडिडेट है आपके पास? कैंडिडेट आज तक यहाँ पर चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए हैं, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का मुद्दा हो, चाहे अन्य ऐसे ऐसे मुद्दे हो जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं, इन पे इन्होंने जरा सा भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया कोई भी मामला। चौबे जी, आपके कैंडिडेट हैं, मैं ये पूछ रहा हूं जी, दावेदार हैं? दावेदार तो हमारे पास हैं, हमारे पूर्व सांसद हमारे प्रदीप टमटा जी हैं इस सीट पर, लोकसभा अल्मोड़ा की सीट पर। टमटा जी का विरोध मालूम है, कौन कर रहा है जी? कोई पार्टी से ऐसा कोई विरोध दावास की स्थिति नहीं। अच्छा, है तो आप पार्टी से हैं या फिर पार्टी के बाहर के हैं? जी मैं पार्टी से ही हूँ। आपके विधायक तो खुद प्रदेश अध्यक्ष के सामने विरोध कर रहे थे प्रदीप टमटा?
नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल ऐसी स्थिति है जो समझ गए चौबे जी, जी समझ गए। उमा जी सुन रहे हैं आप, बीजेपी कांग्रेस की तैयारी, अब मुझे ये नहीं मालूम कि कार्यकारिणी का कब गठन हुआ, लेकिन चौबे जी कह रहे हैं हो गया, इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के सामने विधायक ने विरोध जता दिया प्रदीप टंटा का, कह रहे कि नहीं ये कब हुआ ये तो मुझे मालूम ही नहीं, मतलब उत्तराखंड में ऐसा सब कुछ हो रहा है किसी को कुछ मालूम ही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हम पांचों सीटों पर जीतेंगे। खैर ये तो आपके सहयोगियों की बात रही, कुछ आप लोगों ने प्लान किया है? देखिए आम आदमी पार्टी इस समय इंतजार की भूमिका में है, मैं अगर कहूं तो कि हमें कितनी सीटें उत्तराखंड में हमें इंडिया गठबंधन के अंदर मिल पाती हैं। तो इस समय एज ए प्रवक्ता अगर मैं बात रखूं तो मैं सिर्फ यही कह पाऊंगी कि हम लोग इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या आम आदमी पार्टी को, हम लोगों ने यहाँ पर हरिद्वार सीट के लिए बात रखी है अपने केजरीवाल जी के सामने और संदीप पाठक जी के सामने कि हम लोग हरिद्वार सीट पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अच्छा मजबूत चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप कम से कम पांच में से एक सीट पे आप बात कर सकते हैं। आप देखिए नहीं 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 उमारी वहां तो मामला फिक्स है, हरीश रावत जी तो कैंडिडेट का टिकट काट कर चुनाव लड़ते हैं, समझ रहे मेरी बात, और अब तो मसला वहां पर दूसरा है, संध्या जी का टिकट कट गया था ना लालकुआ में, वहां तो मामला दूसरा है मैडम, कहीं और कुछ नहीं प्लान है आपका, वहां तो पहले ही बुक है, वहां तो हरक जी भी है हरीश जी भी है, आपकी हसरत तो बड़ा मुश्किल लगता है मैडम पूरी हो पाए। बात की है हम लोगों ने हरिद्वार के लिए ही केजरीवाल जी से बात की है कि आप हरिद्वार सीट पर बात कीजिए, आप देखते हैं कि हमें कौन सी सीट मिलती है, कितनी सीटें हमें यहाँ पर लड़ने के लिए मिल जाती है, अगर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सीट मिलती है तो ऑब्वियसली पूरी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड उस सीट पर काम करेगी, और इन केस अगर कोई सीट नहीं मिल पाती है तो हम लोग वहां पर जाकर काम करेंगे जहां पर की आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को सीट मिलेंगी, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में पंजाब में और कुछ सीटें गुजरात और हरियाणा में हम लोगों को मिल सकती है। अच्छा मतलब उत्तराखंड में नीलबटा सन्नाटा, देख रहे हैं क्या होता है, बड़ी दया के पात्र हो रहे हैं आप, कोई बात नहीं। चौबे जी ये कह रहे हैं कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, गाड़ी तो यूं ही चलेगी। देखिए ऐसा नहीं है भाई साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंचा जाएगी। जी 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 दरअसल ऐसा है, ये इंडिया गठबंधन का एक ऐसा नारा जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य नेताओं ने दिया है, पूरे जितने भी हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन, तो इनका एक ऐसा रुझान रहेगा जो आने वाले समय में एक सही दृष्टि इस प्रदेश में, इस उत्तराखंड में, या मान लीजिए पूरे प्रदेश में एक नया संचार लेके आएगी। कुछ दिनों आप रुक जाइए, ये सब दिख जाएगा। नहीं, कि नहीं कोई बात नहीं चौबे जी, वक्त लीजिए, मई तक सब क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समय लीजिए आराम से, मई तक क्लियर हो जाएगा, बात ठीक है आपकी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मई तक का नहीं है मामला। हाँ हाँ देखिए हम लोग सीट बंटवारे का काम कर रहे हैं, तो शीघ्र ही कुछ समय बाद हमको ये सही नई राय दिखेगी। नहीं नहीं ठीक है, आप करिए करिए आराम से, वक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुंवर साहब, इन लोगों की सुस्ती आपकी कहीं ताकत तो नहीं है कि नहीं भैया ठोक दो दावा, 5 लाख तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख बोलो, कोई जान बोलने में क्या जाता है? नहीं कुंवर साहब, भारतीय जनता पार्टी की ताकत उनके कार्यकर्ताओं और नेतृत्व का देश के प्रति समर्पण है, देशवासियों के प्रति काम करने की हिम्मत है, जो 2014 के बाद से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। अच्छा, 5 मुद्दे ऐसे उत्तराखंड के कौन से हैं जिस पर आप फोकस करेंगे? 5 मुद्दे देखिए, UCCI के ऊपर डेफिनेटली ये निर्णय होने जा रहा है, जो मुद्दे अहम मुद्दे थे, भू अध्यादेश को लेकर निर्णय आ चुका है, और आपके जो हमारे उत्तराखंड के अंदर अध्यादेश को लेकर क्या फैसला आया सर? जो एक जनमानस की एक मांग थी कि भू अध्यादेश को लेकर पर्वतीय जनपदों में उत्तराखंड के अंदर भूमि का संरक्षण हो और उसमें कोई भी इस तरह का जो कई कहीं से आके जो भूमि की बंदरबांट हो रही थी, तो डेफिनेटली उसे रोकने का काम किया है वर्तमान सरकार। अच्छा खाली एक, अच्छा अच्छा ठीक, आगे अब आगे तीसरा मुद्दा आपको बताएं? जी जी बताइए सर। तो तीसरा मुद्दा हमारे पास एक अहम मुद्दा है कि प्रदेश के अंदर युवाओं के रोजगार सृजन का और पलायन को रोकने का, उसके ऊपर हाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 9% तक पहुंच गया आंकड़ा, आपकी बात बिल्कुल सही है।
बेरोजगारी को लेकर हम आपको ये बता रहे हैं कि जो पिछले 22 वर्षों एकमात्र मुद्दा काफी है। उमा उमा बहन हम बीच में नहीं बोलते, आपका नंबर आएगा आप अपने कैंडिडेट की बात बताइएगा, आप अपना आप समय आने पर अपने कैंडिडेट का नाम बताइए, लेकिन जब आपके पास कैंडिडेट नहीं है आप उत्तराखंड के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लोग करना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ सुने जो अच्छा हो रहा है उसका समर्थन करें ना करें, लेकिन बीच में इस तरह से डिबेट को टोकें ना, हम किसी को टोकते नहीं है, हम किसी को टोकते नहीं है, और हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब हमारा समय हो पर उनसे बात करें, वरना बिल्कुल आपको बोलने नहीं देंगे डिबेट में, वरना बिल्कुल हम आपको डिबेट में बोलने नहीं देंगे, हम किसी के समय के बीच में बोलते नहीं है, और आपसे निवेदन है हमारे समय के बीच में बोला बता रहे हैं, वरना हम बिल्कुल आपको बोलने नहीं देंगे, पढ़ाई का जमाना ही नहीं है भाई, हम आपको चेता रहे हैं कि आप हमारे समय के अंदर आप हमारे समय के अंदर व्यवधान डालेंगी तो बिल्कुल हम आपको बोलने नहीं डाल रहे हैं। जपेंद्र भाई आप गलत समझ रहे हैं, आपका समय आएगा आप बोलिएगा, आपका समय नहीं है तो आप जोर देके मुद्दे बता रहे हैं कि तिलक जी बताएं क्या जवाब चाहते हैं आप, मैंने कहा आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। हाँ जी नहीं उमा जी कोई दिक्कत नहीं, आप अभी फिलहाल कांग्रेस की हेल्प करिए वो ज्यादा जरूरी है, क्यों आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, वो लड़ाई तो बीजेपी के साथ है आपकी। अच्छा कुंवर साहब, कुंवर साहब एक मिनट, कुंवर साहब आपने कहा एक मिनट चौबीस की स्थिति पैदा कर रहे हैं भाई साहब, भू अध्यादेश को लेकर आप गुमराह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, नहीं नहीं यहाँ मसला गुमराह होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री हमारा जमीन की खरीद फरोख्त लगाई है, आप लोग जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते थे वो विफल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात एक मिनट कुंवर साहब आपने कहा बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, 9% के आसपास उत्तराखंड में बेरोजगारी दर है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई एग्जाम हुए अभी तक जो है उनके रिजल्ट तक नहीं आया, एक साल गुजर गया, बेरोजगारी वाकई में मुद्दा है। प्लीज अगला वैकेंसी की बिल्कुल सरकार और विभागों ने तैयारी करी हुई है, अच्छा, और जो आपको आंकड़े ठीक है उठा के देखे, नहीं ठीक है आपकी बात बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आगे सर और कौन सा मुद्दा रहने वाला है, युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के साथ साथ पलायन पे कंट्रोल करना, नहीं पलायन पे तो सर 2000 से कंट्रोल कर ही रहे हैं, 2023 आ गया आपके तो नेता ही पलायन करके जो है मैदान में आके चुनाव लड़ रहे हैं, खैर कोई बात नहीं पलायन भी एक मुद्दा है, और सर देखिए और डेफिनेटली 25वीं वर्षगांठ से पहले राज्य को एक अग्रणीय राज्य के तौर पर स्थापित करके उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में पहचान देना ये एक सबसे बड़ा टास्क है सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का, और ये इसमें प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। अच्छा तो यानी आप ये कह रहे हैं, चलिए आपने एक बात तो माना कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ कुंवर साहब स्मार्ट सिटी मुद्दा है कि नहीं, वो जो आपने कहा था कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी के ऊपर काम चल रहा है और जो स्मार्ट सिटी का जो रंग रूप निखर के आना चाहिए तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और देहरादून स्मार्ट सिटी के रूप में आने वाले वर्षों में पहचाना जाएगा, हाँ, और बिल्कुल पहचाना जाएगा, आप भी उसका लुत्फ उठाएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल पहचाना जाएगा, और ये अंकिता भंडारी हत्याकांड होगा कि नहीं होगा मुद्दा, डेफिनेटली उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने कड़ा निर्णय लिया और सरकार ने किस तरह से दोषियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने में उमा जी सोनिया जी कह रहे हैं कि वीआईपी बताया नहीं आज तक कौन है, इस तरीके से बुलडोजर चलाया गया उसका भी ब्यौरा दीजिए, जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जनता को भ्रमित करके या बिना बात का तो मतलब जिसकी हत्या हुई वो भ्रमित थी और वो वीआईपी का नाम ले रही थी, उत्तराखंड की बेटी को न्याय देना भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की जिम्मेवारी थी और सरकार ने बखूबी उस जिम्मेवारी को पूरा करने की और अपने कदम बढ़ाए। कुंवर साहब वीआईपी कौन था बता दीजिए, आज रातों रात बुलडोजर क्यों चलाया गया, सब चीजें आप जानते हैं, ये कांग्रेस द्वारा एक क्रिएट किया हुआ और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं मुद्दा वहीन कांग्रेस अपने राजनीति, आपने माना कि अंकिता भंडारी हत्याकांड भी एक मुद्दा है, ठीक उमा सिसोदिया जी पहले आपका कमेंट फाइनल कमेंट चौबे जी ले रहा हूं आपसे जल्दी से,
देखिए चुनाव सामने हैं और उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन जपेंद्र भाई जिस तरीके से मुद्दे याद कर रहे थे, मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की। 100 सुनार की एक लोहार की, हमारा राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम पधार रहे हैं और ये अपने आप में राम में चुनाव होने वाला है 2024 का। इस देश को भी बधाई के पात्र है, हम सब शुक्र है, कम से कम आपने माना तो सही कि राम है। सिर्फ राम के मुद्दे पर ही चुनाव होगा और भगवान राम ही 2024 में इस बार के। नहीं, आपके तो नेता कह रहे थे ना कि वहाँ मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल बना दो, देखिए अस्पताल बना दो। भगवान राम हर सनातनी के और खासतौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के आराध्य हैं। हाँ, ये बात समझ में आ गई आपको ना? नहीं समझ में आ गई उमा जी? हम लोगों ने दिल्ली से लेकर अयोध्या तक की बस यात्रा भी अपने सीनियर सिटीजन के लिए शुरू करा दी है कि जब राम मंदिर वहाँ पर बन जाएगा तो हमारे सीनियर सिटीजन को मुफ्त। नहीं, पहले तो आप लोग ही चले जाइए, अच्छी बात है, फिर उसके बाद सबको भेजिए, अच्छी बात। आप लोग भी जाइए, सरयू में स्नान करिए, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, राम सबके हैं, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। बाकी उमा जी, मैंने कुछ रोज पहले आपसे एक बात कही थी कि आपके घर में कुछ होने वाला है, आपके घर में याद है ना आपको? याद है, लगवाई, बिल्कुल याद है। हाँ, तो 15 तारीख तक का वेट करिए, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी आपको। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, तारीख नोट कर लीजिएगा। ये तारीख इसलिए आगे बढ़ गई क्योंकि मसला जो है वो पूजा पाठ वाला भी है ना, 15 तारीख के बाद सूर्य, तो वो एक नया उजाला लेकर आएगा उत्तराखंड में आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, तारीख याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जपेन जी आपका भी, चौबे जी आपका भी और उमा जी आपका भी। तो 24 की तैयारी तय हुई, जिम्मेदारी, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन मौजूदा सांसदों के लिए संशय है, धुंध है, कोहरा है, अभी देखिए, सस्पेंस बरकरार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।